नमस्कार प्रणाम सबके गोल लगातारी यावरी भाई भोजपुरी के ए पेज पर सबके बहुत बहुत स्वागत बा अभिनंदन बा। आज के बुधवारी बैठक की जोन बा वो एगो भोजपुरी के नौहा पौध जनहवा अंकुर जेकरा कहल जाला उहरो के सत्य बा सिसोदिया सिस्टर के संगे बा। वहां सबसे हमनी के बातचीत हुई, बतकही हुई, गीत सुनल जाई। हमरा आशा न पूरा विश्वास बा कि जब नौका पौत के बात हुई तो सिसोदिया सिस्टर्स के नाम सबसे आगे रखल जाई। आ हमरा इहो विश्वास बा कि आए वाला समय में सिसोदिया सिस्टर्स अच्छा करी लो, भोजपुरी के मान सम्मान के साथे भोजपुरी के लेके आगे बढ़े में इन लोग के नाम सुनहला अक्षर में अंकित हुई। काल 16 नवंबर रहला, आज 17 नवंबर है, काल 16 नवंबर रहला, भोजपुरी के एगो महान लोक गायिका एगो पुरोधा श्रीमती मैनावती देवी मैना जी के काल पुण्यतिथि रहला। वहां के पूरा भोजपुरिया समाज यावरी भाई भोजपुरी परिवार बेर बेर नमन करता, श्रद्धांजलि अर्पित करता। वहां के एगो प्रसिद्ध गीत रहे जौन घर घर में प्रचलित बाल लोगन के मुंह पर बा जबा जुबान पर चढ़ल बटे, वह गीत से यह बैठकी के शुरुआत सिसोदिया सिस्टर के संगे। हम सिसोदिया सिस्टर से आग्रह करब दोनों बच्चियन से कि वहां सब वह गीत से यह बैठकी के शुरुआत करी। सिसोदिया सिस्टर्स, सिसोदिया सिस्टर्स नमस्कार। रवासमने के हम समृद्धि, हम श्रद्धा गोर्चे के गौर लगतनी। सबसे पहले हमने के आई की गोबन के की अंगनानी पाई गाए गोबरे महादेव, अंगनानी पाई गजमतिया हो महादेव, चौका पुराई सुनिए शिव शिव के दोहाई, सुनिए शिव बसहा पर चढ़ी शिव दुल्हा, बारत लेके आई बसहा पर चढ़ी शिव दुल्हा, बारत लेके आई गलावा में सरप के माला, भभूति रामाई सुनिए शिवा दोहाई सुनिए शिवा, मने मने गौरा शिवा गोहराई, मने मने भीतर गौरा दे शिवा गोहराई, बदली रूपवा महादेव दुगपति आई सुनिए शिवा शिवा के दोहाई सुनिए शिवा दोहाई। धन्यवाद।
बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया गीत। गीत ऐसा बा जे के सुनते लोगन के रोआ खड़ा हो जाला। लगभग हर पूर्वांचल भोजपुरिया अंचल में हर एक सगुन गीत एकरा के मानल गेल बा। जब भी गीत घर में जब कुछ काज प्रयोजन होला, शुभ होला, तो जैसे देवी जी के गीत होला कि निमिया के डांड मैया, ओकरा बाद शंकर जी के गीत बहुत जरूरी हो जाला, ऐ लोग सुनावेला। बातचीत के सिलसिला के आगे बढ़ावत हम पूछब दोनों बहन से कि भोजपुरी से कैसे रुझान भइल भोजपुरी गीत संगीत गावे के, कहाँ से आई आइडिया आई कि भोजपुरी में गावे के बा हमरा? सबसे पहले तो हमने के मातृभाषा भोजपुरी बा, तो हमने के यहाँ से प्रेरणा मिलल कि हमने के अपन भाषा खातिर कुछ करे के चाहिए। कैसे कि आजकल भोजपुरी गीत सुन के लोगों के मन में सबसे पहला ये धारणा आयला कि भोजपुरी गीत संगीत के मतलब बा अश्लील गीत और ऐसन गीत जो हम लोग पूरा परिवार के साथ ना सुन सकते नहीं। तो हमने के बस एक छोटा सा उपदेश्य बा कि हमने के सबके ई बता सके कि भोजपुरी में बहुत सारा ऐसन जो कि अभी बहुत लोग नहीं जाएगा और ऐसन बहुत अच्छा लगा जो कि अभी भी लोग सुने के चंदन बुआ जी से और हमें जब से के हमेशा साथ तकनीकी कुछ व्यवधान, कुछ दिक्कत बटे, शायद नेटवर्क के कुछ प्रॉब्लम बटे, ये वजह से नेटवर्क कनेक्शन हट गिल पा भी। जल्दी वो लोग आई, तब तक जे भी जुड़ल बटे क्या और भोजपुरी के लाइव सेशन से सबके स्वागत बा। विवेक पांडे जी, माही महिमा जी, क्षमा त्रिपाठी जी, जितेश प्रताप जी, बहुत सारा लोग जे जुड़ल बा, आप सबके स्वागत बा, अभिनंदन बा। हाँ आ गए लोग, नेटवर्क के साथ कुछ प्रॉब्लम आ गए लोग, नेटवर्क के साथ कुछ प्रॉब्लम बटे। स्टार्ट करो तो सबसे पहले हमने के अबे को गंगा गीत गायब जा जे सबसे पहले हमने के गंगा गीत गाए के प्रयास करब जो कि विंध्यवासिनी जी देवी के गीत बा। हमने के आशा बा रउआ समी के अच्छा लागे और हमने के कोशिश करे भी गीत के अच्छे से पूरा कर सके। हे गंगा मैया गजब रौरी माया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया, नीर पीवत सब पापन साया, नीर पीवत सब पापन साया, हे गंगा मैया गजब रौरी माया, सुरपुर से उतरी जग पावनी, सुरपुर से उतरी आया
अति कपुनित मासत अति कपुनित मासत पर सेवक मुनि जन वृंदनिकाया जन वृंदनिकाया हे गंगा मैया गजब रौरी माया जटा शंकरी नामति हारो जटा शंकरी जग सुखदाया हे गंगा मैया गजब रौरी माया हे गंगा मैया गजब रौरी माया हे गंगा मैया गजब रौरी माया। वाह बहुत बढ़िया। वाह गंगा मैया के आह्वान बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति दोनों बहन के। ये एक बात का क्लियर बा कि हमने के जौन भोजपुरिया गीत संगीत के परिपाटी बा सांगीतिक जौन दौर बाटे ओकरा में नौका पौध के बहुत जोरदार हस्तक्षेप के जरूरत बा। कहीं ना कहीं एक तरीका से अब जौन एगो परिपाटी चल रहा बा ओकरा खिलाफ एगो बढ़िया लकीर खिंचा रहा बा, एगो सुंदर लकीर खिंचा रहा बा कि लोग बढ़िया बढ़िया गीतन के सामने जो भोजपुरी में जो लगभग भुला रहा बा लोग भुला चल गए बटे ओकरा के सामने ले आओ के कोशिश तो हम दोनों बहन के बहुत बहुत शुभकामना बटे करा खाती। आगे ई की प्रेरणा केकरा से मिलल, कहां से मिलल प्रेरणा, की बाटे आइडल भोजपुरी गीत संगीत में अगर बात कर जाए तो सबसे पहले जब हमने के भोजपुरी गीत संगीत असलियत का बा मतलब भोजपुरी गीत संगीत में कितना पारंपरिक गीत होला और का असली संस्कृति बा हमने के जब हमने के पता चलल तो हमने के सबसे पहले चंदन बुआ जी मतलब चंदन तिवारी जी के गीत सुनल शुरू कैनी और एकर से पापा के जाला कि वो आखर में गईनी और वहाँ के प्रोग्राम देखनी चंदन बुआ के गीत सुननी तो वो हमने के भी प्रेरणा दे रही गीत सुने के। तो हमने के जब से गीत सुने लगनी जा हमने के मन में एगो इच्छा भइल कि हमने के अपन संस्कृति खातिर ऐसा कुछ करी और उनकर पद चिन्ह पे चली हम लोग और चंदन बुआ जी हमने के प्रेरणा बारी हमने के आज जितना भी कुछ थोड़ा सा गा सके नी भोजपुरी में वो सब उनकरे देन बा उनकरे सीख बा। जी के बहुत बहुत चंदन वास्तव में चंदन तिवारी जी के आभार। चंदन तिवारी जी के जौन सांगीतिक जौन यात्रा रहल बा अब तक बहुत बेहतरीन रहल बा वहां के एक लकीर जौन खींचले पानी बहुत जोरदार रहल बा। तो हम दोनों लोग से हम ई कहब कि चंदन तिवारी जी के कोनो गीत जौन बेहतरीन लागत होके जौन बहुत दिल के करीब होके वो गीत सुनाव लो ओकरा बाद हमें फिर बात करिए। अनुराग अनम्यूट कहानी हो अनम्यूट कहानी हो मैं कह नेटवर्क आज बहुत ज्यादा परेशान कर रहा बा शायद हो जा
वजह से दिक्कत आ रहा है बार बार हमनी के। यही बीच राहुल राज जी हमनी के संगे बानी, जुड़ल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद सशिमेश्वर जी जुड़ल बानी। नेटवर्क के वजह से थोड़ा आवाज के दिक्कत हो रहा बा, नेटवर्क क्लियर नहीं हो ते के वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम बटे। क्षमा त्रिपाठी जी के बहुत बहुत स्वागत। वहां के कह रहे बानी कि गीत सुन के वो गीत याद आ गई और सुने का मन कर दिलस, हे गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ई पो, जरूर ये गीत बेटी साहब से सुनल जाए, बिल्कुल ये गीत सुनल जाए। बहुत ज्यादा परेशान कर रहा बा या नेटवर्क के प्रॉब्लम बाटे ये के वजह से दिक्कत आ रहा बा। नेटवर्क बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, परेशान कर रहा था। चंदन तिवारी जी के उसे हमने की शुरुआत कर लिया। शुरुआत कर जाओ चंदन तिवारी जी के गीत से। शुरुआत कर जाओ चंदन तिवारी जी के गीत से जोन तहन लोग के दिल के करीब बा, तहन लोग के दिल के करीब बा। माइक के देखा आवाज नहीं क्या आवाज, माइक के देखा आवाज नहीं क्या आवाज, एक बार ईयरफोन हटा के देख लो। एक बार ईयरफोन हटा के देख लो शायद आ जाए आवाज। हेलो, हमने क्या आवाज आवा था? हाँ आप आवा था, चलो। हाँ आप आवा था, चलो। चंदा मामा रे आव, चंदा मामा बने आव, चंदा मामा रे आव, चंदा मामा बने आव, नदिया किनारे तू बोलावत रहला बाबूजी, नदिया किनारे अरे तू बोलावत रहला बाबूजी, सोने के कटोरावा में दूध भात मंगावत रहला, सोने के कटोरावा में दूध भात मंगावत रहला, नदिया किनारे तू बोलावत रहला बाबूजी,
बाबूजी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया गीत, बचपन के याद ताजा करे वाला गीत। जब चंद्र मामा आ रहे आवो पारे आवो नदिया किनारे आवो, गीत यादन के ताजा करे वाला गीत। अभी वो आई रहल हा निहोरा आई रहल हा रिक्वेस्ट जेकरा के हमनी कहे नहीं जा, वो निहोरा आई रहल हा क्षमा त्रिपाठी जी के कि ई गीत के सुन के वो गीत याद आ गई और सुने के मन क दिहलस। गीत बा हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो, अगर गीत तो हम लोग के पिटारा में होखे तो गीत के सुनावल जाए। जी हमने के अब एगो गीत प्रस्तुत करब रवा समी के फरमाइश, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो। ये गीत गंगा किनारे मोरा गांव के टाइटल सॉन्ग बा और हमने के कलेक्शन में बा, वही से अभी हम लोग रवा समी के सामने ये गीत प्रस्तुत करब। आशा बा रवा समी के अच्छा लागे और अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हमने के क्षमा करब। हे गंगा मैया तो हे गंगा मैया तो सैया से तरी दे मिलनवा, हाय राम सैया से करी दे राम। हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो, सैया से करैया से मांगे आए मांगे के मंगनवा हो राम। गंगा नहाए सूरज पैया लागे आए मांगे के मंगनवा हो राम। हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो, सैया से करी दे मिलनवा, हाय राम सैया से करी दे मिलनवा हो राम। एक कोठरिया में आना रे जाना, एक कोठरिया में रहना हो राम। एक कोठरिया में आना रे जाना, एक कोठरिया में रहना हो राम। गुण अब गुण मोरा हो, गुण अब गुण मोरा सब जग जाने, नैहर से लेके अंगनवा हाय राम, नैहर से लेके अंगनवा हो राम। हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो, सैया से करी दे मिलनवा, हाय राम सैया से करी दे मिलनवा हो राम। धन्यवाद। पापा फोन में
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बेहतरीन प्रस्तुति रहे, बहुत बढ़िया गीत भाई। क्षमा त्रिपाठी जी के ये कमेंट अगली बात की, ओह ये नेटवर्क तो बहुत परेशान कर लगा, इतना सुंदर गीत के सुने नहीं की पावत, नेटवर्क के वजह से थोड़ा सा दिक्कत बाटे। लेकिन आज ये गीत के अपन महताबा, ये गीत के अपन एगो अलग चार्म जो मैं कहल बटे, इंग्लिश में एगो शब्द होला चार्म, मैंने जो खूबसूरती बा गीत के वो बनल बटे, लोग सुनेला आजो करेजा से करेजा जुड़ा जाला, करेजा से लाग जाला कुल गीत। सवाल अगला बा बत कही के सिलसिला के आगे बढ़ावत, सवाल अगला बा कि तो हम लोग दोनों जो आई पढ़त रहो सीबीएसई में, तब पढ़ाई और संगीत के बीच में कैसे सामंजस्य बैठेला, कैसे समय निकल पावेला, अपना बिजी शेड्यूल, कोरोना वाला टाइम, ऑनलाइन वाला इको सिस्टम, फिर ओकरा बाद रियाज, फिर सीखल, कैसे समंजस कैसे बैठे। हाँ हमने के सीबीएसई में पढ़े नहीं, सीबीएसई बोर्ड बा हमने के, जैसे कि आप बोल नहीं, दीदी क्लास 11 में और हम क्लास 9 में बानी। हमने के जो पढ़ाई बा वो भी हमने के संगीत के साथ साथ चलेला, और ऐसा बा कि हमने के संगीत करल हमने के कंसंट्रेशन बढ़ाएला और पढ़ाई में और मदद करेला, और हमने के वीक में म्यूजिक क्लास एक दिन होला, और हमने के रोज एटलीस्ट 1 से 2 घंटा अपना म्यूजिक के जरूर देवेनी, और बाकी जो पूरा दिन रहला वो पढ़ाई खातिर होला, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आएला कि हमने के अपन पढ़ाई ना कर पाओ। नेटवर्क बार बार दिक्कत कर रहा बा, बड़ी डिस्टर्ब आज के लाइव सेशन भाई। हाँ बोला हाँ, कंटिन्यू करा। तो हमने हाँ बोला कंटिन्यू करा। तो हमने के वीक में एक बार म्यूजिक क्लास होला, और रोज हमने के प्रयास करेनी कि एटलीस्ट हम लोग 1 से 2 घंटा अपना म्यूजिक के जरूर दी, और जो पूरा बाकी दिन रहला हमने के पढ़ाई खातिर होला, तो ऐसे हमने की कोई दिक्कत ना होला अपन पढ़ाई और म्यूजिक के साथ में मैनेज करे खातिर। इनफैक्ट म्यूजिक करल हमने के पढ़ाई में और हेल्प करेला, हमने के कॉन्सेंट्रेशन पावर और मेडिटेशन के भी बूस्ट करेला, और अगर पढ़ाई से हमने के कभी मूड ना करेला पढ़े के, तो हमने के अलग मनोरंजन भी होला म्यूजिक, तई से हमने के ई एगो प्लस पॉइंट बा। आपकी आवाज नहीं क्या आवत, शायद म्यूट पे बा। हाँ क्षमा चाहते क्षमा चाहते। श्रद्धा समृद्धि के, श्रद्धा समृद्धि के अब तक के जो सांगीतिक सफर रहल बा, जॉनी म्यूजिक के सफर रहल बा, ओकरा में भोजपुरी के कौन गीत सबसे दिल के करीब बा, कौन गीत? सबसे पसंदीदार गीत मोहम्मद खलील जी के ले ले यह बालम बाटे के, काहे से कि ये गीत हम दोनों बहिन आखर पे परफॉर्म कर चुकल बानी, और ये गीत सीखे के प्रोसेस, और हमने के ऐसन ये गीत बहुत अच्छा लागेला शुरुआत से ही, जब से ये गीत सुन ले बानी और ये गीत गाए के प्रयास से लेकर जौना भी हमने के थोड़ा सा भी गीत आयला, ये हमने के बहुत अच्छा लागेला और हमने के दिल के करीब बा, वही से ये हम लोग के वन ऑफ द फेवरेट गीत बा भोजपुरी में, ले ले हबालम। हम चाहब कि ओ गीत के तहन ओ सुनाब, हम चाहब कि ओ गीत के तहन ओ सुनाब जी जरूर।
बालम बजरिया से नात तरे सादे हम हो सजरिया से अंगूरी ले ले है बलमो बजरिया से चुनरी ले ले है बलमो बजरिया से चुनरी नात तर सादे हम हो देखा दे नात तर सादे हम हो देखा दे सजरिया से अंगूरी ले ले है बलमो बजरिया से सुनरी चम 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 के सितारा चारों ओरिया चम 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 के सितारा चारों ओरिया देख के लजा जाए चांद के अंजोरिया देख के लजा जाए चांद के अंजोरिया मार के होनिया लुगा जाए जोनिया मार के होनिया लुगा जाए जोनिया अकस्मा के बदरी ले ले है बलमो बजरिया से चुनरी ले ले है बलमो बजरिया से चुनरी चुनरी पहिरे हम तो हक देखैबे चुनरी पहिरे हम तो हक देखैबे मार के कनखिया पलंग चढ़ी जाइबे मार के कनखिया पलंग चढ़ी जाइबे जोगिया बनैबे तोह के घुमैबे जोगिया बनैबे तोह के घुमैबे नजरिया के पुतरी ले ले है बलमो बजरिया से चुनरी बजरिया से चुनरी बजरिया से गदगदा गई मन रोआ रोआ जोनबा नु खुश हो गई ई गीत वास्तव में कालजई गीत बटे मोहम्मद खलील साहब जी के गीत ले ले यह बालम बजरिया से चुनरी बहुत लोग एकरा के गौले बा खलील साहब के गीत बहुत बेजोड़ वहां के आवाज में चंदन तिवारी जी भी गौले बनी बहुत लोग गौले बा गीत के बहुत अच्छा लागल और वैभव मन त्रिपाठी जी के कुछ सवाल बा कि जब ये दोनों बहन लोग गावेला तो गाना के चुनेला आ जैसे कहलू हो कि प्रैक्टिस करे नहीं जा तो रिहर्सल की करवावेला प्रैक्टिस के करवावेला प्रैक्टिस के करवावेला जैसा कि हमने के बोलनी हजा हमने के प्रेरणा भोजपुरी गायक के प्रेरणा हमने के आखर और चंदन बुआ से मिलल बा पर ओकरा साथ साथ
हमने के अपन परिवार और स्पेशली पापा के बहुत सपोर्ट मिलेला। तो हमने के जब भी प्रैक्टिस करे नहीं जा तो दीदी हमरा के गाइड करेला, और हम दोनों के एक साथ पापा गाइड करे नहीं। वो हमने के हर प्रोनाउंसिएशन, हर भाव और गीत के कैसा नहीं की गाए, वो चीज हमेशा बताया नहीं कि जब कोई सुनी गीत तो कह के कैसा लागे, और सुनने वाला के तौर से भी हमने के समझाया नहीं। गीत के भाव से लेकर हर शब्द के कैसे हम लोग प्रोनाउंस करी, ये भी हमने के समझाया नहीं। तो हमने के जितना भी कुछ अभी गा सकते नहीं भोजपुरी में, ओ में पापा के बहुत बड़ा योगदान बा, साथ ही साथ आखर और चंदन बुआ के भी। तो दीदी हमरा के हमेशा गाइड करेली, और चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो या फिर भोजपुरी म्यूजिक, तो हमने के सबके हमेशा सपोर्ट मिलेला, तही से गावल ऐसे आसान बन जाला। ई सही बात बा कि जब घर के सपोर्ट मिलेला, जब अजय भैया से बात भइल तमाम सारा चीज के लेके, वहां से भेंट भइल हमरा पंजवार में 2018 में, ओकर बाद से वहां से बहुत आत्मीय संबंध बटे। तब वास्तव में वहां के जोन जोन डेडिकेशन बा, जोन समर्पण बाटे तहन के भोजपुरी के लेके, ई बहुत बढ़िया बा। इहे हमरा अच्छा लागेला कि वहां के लेके जोन भोजपुरी गीत संगीत के तहन लोग के प्रति जोन वहां के मतलब डेडिकेशन बा कि हम लोग के भोजपुरी में अच्छा करे खातिर प्रोत्साहित करी, उन चीज के बताई। तो आज के दौर में बहुत ही कठिन बा मिलल चीज। अजय सिंह सिसोदिया जी के एगो रिक्वेस्ट आयल बा, निहोरा आयल बा। वहां के निहोरा कहले बनी कि एक एक ओखे बेटा जन्मे एक एक ओखे बेटिया, ई गाना जरूर गावलो। तो पापा के तो इच्छा पूरा करेंगे परी निहोरा बा। तो जी जरूर। तो हमने के अगला गीत बा एक एक कोखी बेटा और एक एक कोखी बेटी। तो ई गीत हमने के फिलहाल में ही तैयार कर ले बानी, तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करब, और अगर अच्छा लागे तो ढेर सारा आशीर्वाद दें। जेही कोखी बेटा जन्मे ओही कोखी बेटिया, दुरंग नीतिया दुरंग नीतिया, काहे कैला हो बाबूजी दुरंग नीतिया, काहे कैला हो बाबूजी दुरंग नीतिया। बेटा के जन्म में ता सोहरा गवैला, सोहरा गवैला हमार बेरिया, हमार बेरिया काहे मातम मनैला, हमारे बेरिया काहे मातम मनैला, हमारे बेरिया। बेटा के पढ़ावेला स्कूलिया पठैला, स्कूलिया पठैला हमारे बेरिया, काहे चूल्हा फुकवैला हमार बेरिया, काहे चूल्हा फुकवैला हमार बेरिया। बेटा के बियाह में ता पगड़ी पहिराला, पगड़ी पहिराला हमार बेरिया, हमार बेरिया काहे पगड़ी उतराला, हमार बेरिया काहे पगड़ी उतराला
बेरिया, हमार बेरिया, हमार बेरिया। धन्यवाद। वास्तव में गीत ई जोन रहला ओकर जा के छुए वाला ऐसे रहला कि बेटा बेटी में जोन फर्क पहले के चलल बा अब नहीं के हम एक के मानत हनी अब नहीं के देखा अपने घर देखा तो हम दुगो बेटी दुगो बेटा के समान बड़ो लोग घर में तो अब नहीं के लेकिन कुछ हद तक बहुत हद तक बदल बा सिनेरियो बहुत हद तक जोन जमीनी स्थिति बाटे वो बदल बा फिर भी गीत के माध्यम से जोन संदेश रहेला वो हमनी के सांगीतिक परंपरा रहल बा भोजपुरी में तो गीत के माध्यम से जोन संगीत जोन संदेश जाला वो बहुत बेजोड़ तरीका से जाला आई बहुत बढ़िया गीत रहल है बहुत बेहतरीन करिया छुए वाला केहू सुनी ओकर आंखी की कोर जरूर भेजी सोची जरूर की जोन चीज पहले होत रहे जोन चीज हो रहल बा दुरंगी नीतिया जोन बा काहे तरीके होला। भोजपुरी स्त्री विमर्श जी भोजपुरी स्त्री विमर्श में बहुत सारा चीज लिखल गेल बा संगीत के तौर पर संगीतिक तौर पर साहित्य के तौर पर बहुत लोग बहुत कुछ लिखले बा नाटक कह लिया जाओ गीत कह लिया जाओ बहुत तरीका से लोग आज भोजपुरी में माने लोग स्त्री विमर्श के लोग में बारे बात करता लेकिन भिखारी ठाकुर जी बहुत पहले ही ओकरा पर लिख चुकल बनी नाटक कह चुकल बनी लोगन के बीच देखा चुकल बनी। खैर अगला सवाल बा कि संगीत की पढ़ाई होला संगीत का तो रिहर्सल कर देंगे तब पढ़त कहाँ से बढ़ो लोग कौन स्कूल कहाँ कहाँ पढ़ाई चल रहा बा के सिखावेला के गुरु जी बा हमनी के गुरुजी श्री अभिजीत मुखर्जी सर बानी और कहे से कि हमने के बचपन से कलकत्ता में रहल बानी तो हमने के यहाँ पे ही पढ़ाई संगीत और सब कुछ हमने के यहीं से सीखे नी। तो जैसा कि दीदी बोली हमने के संगीत अभिजीत सर से सीखे नी और वहाँ के बहुत ही अच्छे से हमने के गाइड करे नी और हमने के म्यूजिक स्कूल के नाम बा नांदनिक जो कि श्रुति नंदन से कनेक्टेड बा और हमने के बहुत ज्यादा अपना के सौभाग्यशाली माने नी कि हमने के ऐसन गुरु से सीखे के अवसर मिलल बा जो कि हमने के कदम कदम पर गाइड करे नी और हमेशा हमने के आशीर्वाद देवे नी। ई बहुत अच्छा ई बहुत अच्छा शुभकामना बात तहलो दोनों जानी के विमल चंद्र पांडे जी के शुभकामना तहलो दोनों जानी के मिल रहल बटे सब लोग तहलो के शुभकामना दे रहल बा आगे बहुत अच्छा कर लो भोजपुरी के उज्जवल जोन भविष्य बा उज्जवल भविष्य बा तहलो के हाथ में बा सांगीतिक पक्ष के अगर यहाँ तक बात कर जाओ तो हमनी के भविष्य सुंदर लोग बता बहुत सुखद बाटे कि तहन लो ये काम के कर रहल बड़ो लो ये परंपरा के निभाए के कोशिश कर रहे लो। गोधन बीतल हा पीढ़िया के जोन कहानी चल रहल बा लोग माई बहन बेटी गांव में कहानी लोग सुनत हुई तो हम चाह एगो पीढ़िया के गीत हो जाए ओकरा बाद हमनी के आगे जोन हुई ओकरा बाद तो एगो पीढ़िया की गीत हमने के प्रस्तुत करत अनिजा और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करब और अच्छा लगे तो जरूर आशीर्वाद दें। गोधन बाबा अरे पीढ़िया पीढ़िया चलने कवन हो भैया मोरांगद सवाहे अहे हमरा के लाद हो भैया सुग पांखी धनवाहे अहे चलने कवन हो भैया मोरांगद सवाहे अहे हमरा के लाद हो भैया सुगा पंखी धनवाहे सुगा पंखी धनवाए बहिनी बरा पंखी धनवाए बहिनी बरा रे महंगिया है
छोरी दा तू आहोए बहिनी, छोरी दा तू आहोए बहिनी, पीढ़िया बरतिया है रहे, छोरी दा तू आहोए बहिनी, पीढ़िया बरतिया है। कैसे मैं छोरिए भैया, कैसे मैं छोरिए भैया, पीढ़िया बरतिया है, पीढ़िया करीले भैया, तो हरो सुनखिया है, पीढ़िया करीले भैया, तो हरो खाते रहे रहे, का भैया अंगन सवाए है, हमारा के लादो भैया, सुगा पांखी धनवाए है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा बा, चूंकि हर जोन चल रहा बटे पर्व त्योहार हमने के जोन बाटे पर्व ती बा, ओकरा के हम सोचनी है कि तनी जुड़ ले जाओ, उसे कनेक्ट हो जाए जाओ, चूंकि तमाम सारा चीज होते बा, तो यही होगी तनी मनी हमने के सुन दिया जाओ। कार्यक्रम ये जोन लाइव सेशन बटे अब समापन की ओर बटे, बहुत हमने के अच्छा लागल, बहुत सारा बात भइल, बहुत कुछ भइल। तो हम लोग के सांगीतिक सफर जोन देखत आदमी पहले से समृद्धि के जोन हम देख रहे हनी 2018 में 19 में जोन सॉरी श्रद्धा रही, उस श्रद्धा में बहुत बदलाव बा, आवाज के लेके सुर लय ताल के लेके बहुत सुखद बा, हमारा बहुत बढ़िया लागल। आगे विश्वास बा कि बहुत अच्छा करिए, यावरी भाई भोजपुरी परिवार हमेशा इनका संगे ठाड़ रही हर जगह पे हर समय। बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद रही दोनों जानी के समृद्धि के बोले के तरीका, बातचीत करे के प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया अच्छा लागल। अब एगो हमार फरमाइश रही, चूंकि मॉडरेटर होखला के नाते एगो हमरो कुछ हक हाँ बना था, तो हमार एगो जो गीत बा वो एगो रही कि निर्गुण सुनले रहनी, कौनो निर्गुण एगो निर्गुण था सुनले रहनी, याद नहीं आवत कौन निर्गुण रहे, जोन गईले रहनु अपना शिव जी की दुर्गा जी के मंदिर में श्रद्धा के हम सुनले रहनी, अगर निर्गुण कौन होके सुना सके। माइक अनम्यूट, माइक अनम्यूट कर लो, माइक अनम्यूट कर लो। जी तो जैसन आपका फरमाइश रहे, अभी हम निके को निर्गुण प्रस्तुत करब, जेकर बोल हवे पुकार लिया हो तनी जाए से पहले, तो आशा बा रउआ सबनी के अच्छा लागे, और रउआ सबनी के प्यार और आशीर्वाद खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आशा बा हमनी के आप सभी के आशीर्वाद हमेशा मिलत रहे। नहीं, पुकार लिया हो पुकार लिया हो पुकार लिया हो पुकार लिया हो तनी जाए से पहले, पुकार लिया हो तनी जाए से पहले, पुकार लिया हो तनी जाए से पहले, पुकार लिया हो तनी जाए से पहले। नैहर के लोगवा बहुत हौवे छलिया, नैहर के लोगवा
बहुत हम वछलिया जबरी फसई है तो है नहीं आ के जलिया, जबरी फसई है तो है नहीं के जलिया, जबरी फसई है तो है नहीं आ के जलिया, निखार लिया हो अझुराए से पहले पुकार लिया हो तनी जाए से पहले, मुश्किल से पहलू ईमानुष के तनवा, मुश्किल से पहलू ईमानुष के तनवा, लख चौरासी नभर में परनवा, लख चौरासी नभर में परनवा, लख चौरासी चौरासी ना भर में परनवा संभाल लिया हो, संभाल लिया हो भरमाए से पहले पुकार लिया हो तनी जाए से पहले, पुकार लिया हो तनी जाए से पहले, पुकार लिया हो तनी जाए से पहले, तनी जाए से पहले, तनी जाए से पहले। साँचो करेजा जन बा गदगद बा तहनों के प्रस्तुति तहनों के ए तरीका के गीत गावल देख के मन एकदम गदगद बाटे। क्षमा त्रिपाठी जी के एगो निहोरा बा कि जौन गीत गावत गावत मुंह से तारा छूट गिर रहा गोधन बाबा चल रहे हेरिया, चूंकि हमने के बिलकुल गा दे नहीं, खैर दू लाइन ओकरा के गुनगुनाओ फिर ओकरा बाद कार्य समापन कर दिया जी के लाइव सेशन के समापन। बाबा चल लिया खुलिच बहिना देलिया शीश होना, गोधन बाबा चल लिया खुलिच बहिना देलिया शीश होना, जिया सुए मोर भैया, जिया भैया खबरी सहुना, जिया सुए मोरे भैया, जिया भैया ना खबरी सहुना, जिया भैया ना खबरी सहुना, जिया भैया ना खबरी सहुना। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन दोनों बेटी के आशीर्वाद आगे बढ़े के कामना, माई भगवती की कृपा तहन ऊपर हमेशा बनल रहे, यह परंपरा के जीवितार कर लो आगे बढ़ लो, भोजपुरी में एगो नया मानक स्थापित कर आगे बढ़त रह, जिंदाबाद अगरदा कैले रह। एक साथे यावरी में भोजपुरी के तमाम जितना लोग ये लाइव सेशन से जुड़ा रहना सबके बहुत बहुत आभार अभिनंदन स्वागत। एगो निहोरा आप सबसे जे भी ये लाइव सेशन से जुड़ा रहा था कि यावरी में भोजपुरी एगो ऐप है जोन की रवा सभी के अपना भाषा में अपना ये मातृभाषा में देशी विदेशियन कहानियन के संग्रह तैयार करता ओकर भोजपुरी में ऑडियो ऐप चालू की लेबा। तो रवा सबसे निहोरा बा कि अगर रवा अपना मातृभाषा में कहानी सुने के पसंद करनी, अगर साहित्य से रवा लगाओ बा तो ओकरा के डाउनलोड करी और सुनत रही, हमनी के प्यार दुलार आशीर्वाद देत रही, एगो नया कोशिश बा जो हमनी के शुरुआत के लेबा।
यही के साथ ये लाइव सेशन के समाप्त कर देनी जा। आप आगे फिर अगला बुधवारी बैठक ही में रवा सबसे मुलाकात हुई। आज तनी लेट हो गई था नेटवर्क की वजह से, हमने के जो नियत टाइम बा वो 7:30 बजे बा, नेटवर्क के बहुत सारा इशू रहा, लेकिन फिर भी वो सबके क्षमा देखते मांगत ये दोनों बेटी के प्रस्तुति बहुत बेजोड़ रहा। और यही के साथ कि फिर अगला हफ्ता रहो सबसे मिलब, तब तक खाती विदा दी सबके प्रणाम।